सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत न्यू टाउनशिप स्थित जिले के चर्चित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल को सीबीएसई न्यू दिल्ली से 10+2 की मान्यता मिल गई, जिसका एफिलिएशन नंबर 3430408 है। इसके साथ ही सत्र 2020-21 में कक्षा 9 एवं 11 की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति भी स्कूल को मिल गई। सीबीएसई से एफिलिएशन मिलने से स्कूल के प्राचार्य समेत कर्मियों में काफ़ी खुशी देखी गई। प्राचार्य व स्कूल कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए के सिंह ने कहा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेदिनीनगर झारखंड एवं बिहार का पहला ऐसा विद्यालय है जिसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की मान्यता एक साथ प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की कठोर मेहनत के कारण काफ़ी कम समय में इस विद्यालय की गणना पलामू के मुख्य विद्यालयों में होने लगी है। साथ ही कहा कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार के गुण भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। श्री सिंह ने आगे कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद विद्यालय अपने शैक्षणिक गतिविधि एवं अन्य गतिविधियों को भी सफलतापूर्वक संचालित करता रहा है। अपने विद्यालय कैलेंडर के अनुसार इस कोरोना काल में भी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, योगा क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट एवं डांस क्लासेस संचालित किए जाते रहे। फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा बच्चों के लिए ऑनलाइन योगा एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन भी कंडक्ट किए गए। साथ ही ऑनलाइन डांस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी संचालित किए गए तथा उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। उन्होंने जिलेवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेगा। विद्यालय परिवार के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि कल शाम 5 बजे सीबीएसई न्यू दिल्ली के द्वारा ईमेल स्कूल को मिल गया, जिसमें 1/4/2020 से 1+2 तक की मान्यता स्कूल को मिल गई है। अब हमारे विद्यालय में बच्चे इस साल से ही 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और इसमें हमारे विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ विद्यालय के सभी अभिभावक, छात्र एवं छात्राएं, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने विद्यालय के प्रति विश्वास एवं पेशेंस को कायम रखा और आज हम लोग इस अमूल्य धरोहर को प्राप्त किए। अभी हमारे विद्यालय में 150 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें आगामी कुछ सत्रों में ऐसा विश्वास है कि इसकी संख्या और आगे जाएगी। और डाल्टेनगंज के वासियों का मैं आश्वासन देना चाहूँगा और विश्वास दिलाना चाहूँगा साथ साथ कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए कटिबद्ध है और इसके साथ साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद हमारा ऑनलाइन क्लास रूटीन के अनुसार एवं अन्य एक्टिविटीज, जो बच्चों की सारी एक्टिविटीज हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डांस कंपटीशन, केंद्र सरकार के द्वारा जो फिट इंडिया मूवमेंट 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक था, उसके तहत भी हमारे विद्यालय के बच्चे भाग लिए और उनको डिजिटल सर्टिफिकेट सभी प्रतियोगी जितने प्रतिभागी थे उनको प्रदान किया गया है। और इसके साथ साथ कोरोना की वैश्विक महामारी के बावजूद हमारे शिक्षक इस हेडक्वार्टर में बाहर के रहते हुए भी सब मौजूद रहे और टाइम टू टाइम बच्चों का कॉपी करेक्शन, पेरेंट्स से इंटरेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन जब जैसे पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, उसके प्रति हम लोग कर रहे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि हर पहलू पर ऑक्सफोर्ड विद्यालय खरा उतरेगा। डेफिनेटली सर,
जैसे ही 11 की मान्यता हो गई कि मैं इस सत्र से ही जो बच्चे 11 में एडमिशन लेंगे उनके लिए नीट और जेई मेन की तैयारी मैं इसी कैंपस में करवाऊंगा, ये मेरा मैं विश्वास दिलाता हूँ डाल्टनगंज के सभी मेधावी छात्र छात्राओं को कि वो आगे आएँ और इस विद्यालय में नामांकन कराकर अपने चरित्र को, अपने कैरियर को, अपने जीवन को वो सुरक्षित कर सकें। दशहरा के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय के सभी परिवार की ओर से, डाल्टनगंज के सभी छात्र छात्राओं एवं सभी वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।